और एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्रिकेटर शुभमन गिल को डेंगू हो गया है। विश्व कप के पहले मैच से पहले भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से बाहर हो सकते हैं। रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। अब ऐसे में शुभमन गिल, जो बतौर ओपनर हमेशा भारतीय टीम के लिए आते हैं, अब ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से बाहर हो सकते हैं। डेंगू उन्हें हुआ है, रिकवर होने में उन्हें हो सकता है समय लगे। क्रिकेटर शुभमन गिल से जुड़ी हुई ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। क्रिकेटर शुभमन गिल को डेंगू हो गया है। अमृत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमृत, क्या अपडेट है? शुभमन गिल कितने समय में, क्योंकि अगर रिकवर होने में ज्यादा समय लगता है तो फिर आगे भी देखने को मिल सकता है कि वो मैच में ना शामिल हो। देखिए, बिल्कुल कल ही ये मालूम चला जब उनको बॉडी पेन की शिकायत हुई कि उनको हल्का फीवर हुआ, बॉडी पेन की शिकायत उनको हुई, तब उनको टेस्ट किया गया, उसमें डेंगू पॉजिटिव उनका आया है। और फिलहाल जो बीसीसीआई की तरफ से हमें अपडेट किया गया है उसमें ये है कि पहला मैच जो है संडे को जो खेला जाने वाला है, वर्ल्ड कप का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, कुड बी पॉसिबल कि शायद उसमें आपको शुभम गिल नहीं दिखे ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा के साथ बल्लेबाजी करते हुए। अगर रिकवरी उनकी बहुत अच्छी रही तब आप उनको दिल्ली में देख सकते, क्योंकि अगला मुकाबला जो है वो 11 तारीख को दिल्ली में होना है। तो ऐसे में ये उम्मीद ये की जा रही है जो पहला मैच है उसमें शायद गिल परफॉर्म ना कर पाए, नहीं खेल पाए भारत टीम की तरफ से, जो कि एक बड़ा सेटबैक मैं कहूँगा कि लगेगा अगर गिल ना रहे पहले मैच में। तो बिल्कुल अमृत, ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा झटका है भारतीय टीम के लिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले ये शुभमन गिल जो बतौर ओपनर रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि फिर ओपनिंग जोड़ी किसकी होगी रोहित शर्मा के साथ? जो सबसे पहला विकल्प होगा वो जरूर ईशान किशन का ही होगा। हो सकता है कि अगर शुभमन गिल ना खेल रहे हो, वो पहले मैच में ना आ पाए, तो फिर ईशान किशन को ही बतौर ओपनर यहाँ पर रखा जाए। अमेरिका ने